हेलो अंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था चिरैन वांगजी और वुयिंग को किस करते हुए देख लेता है और उन्हें अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में चिरैन अपने ऑफिस में दाएं से बाएं बार बार घूम रहा था और वांगजी और वुयिंग अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। चिरैन एकदम साइलेंट था, उसने अभी तक उन दोनों से कुछ नहीं कहा था। वुयिंग की चिंता बढ़ती जा रही थी, उसे लग रहा था कि अब उसे पक्का क्लाउड रिसर्च से बाहर फेंक दिया जाएगा और उसे वांगजी से कभी भी मिलने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। वांगजी की शादी हो जाएगी, उसके ब्यूटीफुल बेबीज होंगे और वो भी वुयिंग को धीरे धीरे भूल जाएगा। वो यही सब सोचते सोचते इतना ज़्यादा घबराने लगता है कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वांगजी तुरंत उसके पास आ जाता है और उसे कहता है, वुयिंग क्या हुआ? तभी चिरैन भी वहाँ आता है और उससे कहता है, विभूषण क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है? अचानक वुयिंग की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं और वो चिरैन से कहता है, आई एम सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा। चिरैन उससे कहता है, कोई बात नहीं विभूषण, पहले तुम ठीक से सांस लो। वुयिंग धीरे धीरे काम डाउन होता है और एक बार फिर चिरैन से सॉरी कहता है। चिरैन उससे कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम दोनों से नाराज़ नहीं हूँ। वांगजी धीरे धीरे वुयिंग का सिर अपनी गोद में रख लेता है। चिरैन उससे कहता है, तुम उसका ख्याल रखो, मैं अभी एक कप टी लेकर आता हूँ। वांगजी वुयिंग को काम डाउन कर रहा था, तभी चिरैन एक कप टी लेकर आता है। वुयिंग टी पीता है और उसके बाद उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। चिरैन उससे कहता है, तुम्हें पैनिक अटैक आया था जिसका कारण कहीं ना कहीं मैं हूँ, मुझे माफ़ करना विभूषण। वुयिंग कहता है, नहीं अंकल, आप माफ़ी मत मांगिए और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। चिरैन कहता है, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया था जिससे मैं तुम दोनों से तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बात कर सकूँ, तुम्हारी मैरिज से रिलेटेड बात कर सकूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम दोनों से नाराज़ हूँ। तुम दोनों बाहर जाकर थोड़ी ताज़ी हवा खा कर आओ, जब तुम्हें एकदम रिलैक्स फील हो उसके बाद रूम में वापस आना, तब मैं तुमसे बातें करूँगा। वुयिंग चिरैन से मना करने वाला था और कहने वाला था कि अब वो बिल्कुल ठीक है, पर तभी वांगजी खड़ा होता है, उसकी कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे सहारा देते हुए बाहर ले जाता है। बाहर आते ही वुयिंग देखता है कि वांगजी बहुत वरिड दिख रहा था। वो अपने आर्म स्लीव से वुयिंग के चीक से सारे आंसू पोंछने लगता है और उससे कहता है, वुयिंग क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? वुयिंग तुरंत उसे हाँ कर देता है। वांगजी उसे कस के गले लगाता है और उससे कहता है, तुम्हें किस बात का डर लग रहा था वुयिंग? वुयिंग कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं क्लाउड रिसर्च को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वांगजी कहता है, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वुयिंग, क्या तुम ये बातें अंकल को बताना चाहोगे? वुयिंग कहता है, हाँ चलो उन्हें बता देते हैं, और वैसे भी उन्होंने कहा कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है। वो दोनों जैसे ही अंदर आते हैं, चिरैन उन दोनों को बैठने के लिए कहता है और वुयिंग से कहता है, विभूषण क्या तुम अब मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हें किस बात का डर लग रहा था? वुयिंग कहता है, अंकल मुझे बस डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे क्लाउड रिसर्च से बाहर ना फेंक दें। चिरैन कहता है, तुम्हें लगा कि तुमने और मेरे नेफ्यू ने मिलकर जो भी कुछ किया उसके लिए मैं अकेला तुम्हें ही पनिश करूंगा? तुरंत वुयिंग कहता है, अंकल लंजा की इसमें कोई गलती नहीं है। चिरैन कहता है, विभूषण मुझे बात करने दो, और अब वो वांगजी से कहता है, वांगजी मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी भी फीलिंग्स हैं, अगर किसी और ने तुम दोनों को इस तरह देखा होता तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे? तुमने अपनी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा, विभूषण की रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? वांगजी अपना सिर नीचे झुका लेता है और उसे थोड़ा रिग्रेट भी होता है। चिरैन कहता है, तो अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए? वांगजी कहता है, मैं पार्शियल सेक्लूजन में जाकर अपनी गलतियों का पछतावा करूंगा। वुयिंग कहता है, नहीं लंजा तुम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुम सेक्लूजन में जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों की गलती है। वांगजी चिरैन से कहता है, वुयिंग ने मुझे रूल्स के बारे में याद दिलाया था पर फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया, उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तभी वुयिंग चिरैन से कहता है, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, मैंने वो सब कुछ अपने मन से किया था, लंजा ने मुझे फोर्स नहीं किया था। चिरैन कहता है, मैं मानता हूँ कि मेरे नेफ्यू ने जो भी कुछ किया वो किसी गलत इरादे के साथ नहीं किया था, पर फिर भी वो इम्पल्सिव था और इसके लिए उसे सजा मिलेगी। उसके बाद वुयिंग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाता। चिरैन कहता है, लगता है मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ चुका है। वुयिंग टेबल के नीचे से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, वांगजी भी उसके हाथ पर स्क्वीज करता है। अब चिरैन वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी प्लीज़ ये मत कहना कि तुम विभूषण को ऑलरेडी प्रपोज भी कर चुके हो। वांगजी अपने फेस पर वही स्ट्रेट जिद्दी फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कह देता है, हाँ मैं कर चुका हूँ अंकल।
चिरन कहता है, वांग जी तुम दोनों एक दूसरे को केवल 6 महीने से जानते हो और एक दूसरे के साथ रिश्ते में आए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते हुए होंगे और तुमने इतनी जल्दी डिसीजन भी ले लिया, क्या तुम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो? वांग जी कहता है, मैं वेइंग से प्यार करता हूँ और वेइंग मुझसे प्यार करता है, फिर और ज़्यादा इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चिरन अब वेइंग से पूछता है, विभूषण क्या तुम भी उससे शादी करना चाहते हो? वेइंग हाँ कर देता है। चिरन कहता है, फिर मुझे बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ विभूषण। वांग जी से शादी कर लेने के बाद तुम लैन क्लैन के सेकेंड यंग मास्टर के पार्टनर कहलाए जाओगे। तुम्हारे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और तुम्हें वांग जी की पोजिशन में उसे सपोर्ट भी करना होगा। तुम वांग जी की फैमिली के हिस्से बन जाओगे, मेरी फैमिली के हिस्से बन जाओगे विभूषण। जो लाइफ तुम्हारी जांग सेक्ट में रही है, मेरे नेफ्यू से शादी कर लेने के बाद लैन सेक्ट में वैसी लाइफ तुम्हारी नहीं होगी, बिल्कुल अलग लाइफ होगी। अगर तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम मेरे नेफ्यू को पसंद करते हो, तो तुम्हें इस बात को लेकर भी श्योर होना होगा कि तुम लैन सेक्ट के हिस्सा बन जाओगे। तो क्या तुम तैयार हो? वेइंग कहता है, शायद मैं तैयार हूँ। चिरन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं और चिंगझाओ ऑलरेडी काउंसिल से बात कर चुके हैं, तो हमें और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। वेइंग कहता है, क्या सच में? चिरन कहता है, हाँ काउंसिल मीटिंग काफ़ी अच्छी रही थी, वो तुम्हारे तालिस्मैन से बहुत इम्प्रेस थे विभूषण। अब केवल एक ही चीज़ बचती है, जांग सेक्ट से बातें करना, हमें उनकी ऑफिशियल एग्रीमेंट की भी ज़रूरत होगी, पर तब तक के लिए वांग जी को अपना पार्शियल सेक्लूजन बिताना होगा। तुम जिंगशी के दरवाजों के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकोगे पर मिल नहीं सकोगे, इस तरह तुम कम से कम एक दूसरे पर कंट्रोल करना तो सीख पाओगे। बेचारी वेइंग का मुंह बन जाता है, वांग जी को भी थोड़ा बुरा लगता है। चिरन कहता है, अब तुम दोनों जा सकते हो, सब कुछ अब तभी डिस्कस किया जाएगा जब जांग सेक्ट यहाँ पहुँचेंगे। चिरन वांग जी से कहता है, वांग जी तुम पहले जाओ। अब वो वेइंग से कहता है, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर कुछ बात है जिसके लिए मैं तुम्हें इनक्रेज करना चाहूँगा। तुम्हें अभी जो अचानक पैनिक अटैक आ गया था, उसके लिए मैं चाहूँगा कि तुम फिजिशियन से जाकर ज़रूर कंसल्ट करो। तुम्हारे अंदर जो भी डर है, जो भी एन्जाइटीज़ हैं, वो तुम उन्हें बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी हेल्दी रहो, क्योंकि तुम अब वांग जी के पार्टनर बनने वाले हो। तुम्हें तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है, पर जब भी तुम्हें ठीक लगे तुम चले जाना, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। वेइंग हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद चिरन के कहने पर वो भी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वेइंग क्लासेस अटेंड करता है, हालांकि वो बहुत डेस्परेट हो रहा था। वो किसी से शेयर करना चाहता था कि फाइनली वो वांग जी से शादी करने वाला है। वो लैन चुआनली से भी मिलता है और उसे खबर मिलती है कि लैन चुआनली ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था और वो लड़की भी शादी के लिए हाँ कर चुकी है। ये सब सुनने के बाद तो वो चुआनली को और भी ज़्यादा अपनी और वांग जी के बारे में बताना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि अभी ये सब बताना उसे अलाउड होगा या नहीं। तालिस्मैन क्लासेस अटेंड कर लेने के बाद वेइंग ग्राउंड की तरफ आता है और उसे चिंगशी दिखाई देता है। चिंगशी को देखते ही उसका मन कर रहा था अभी लंजा के पास जाने का और उससे बहुत सारी बातें करने का, पर लंजा अभी सेक्लूजन में था। जैसे जैसे वो जिंगशी के नज़दीक आता है, उसे वही सॉन्ग सुनाई देता है जो वांग जी ने उसके लिए लिखा था। वांग जी उस सॉन्ग को अपने ग्यूचिन पर प्ले कर रहा था। वेइंग तुरंत भागा हुआ जाता है और जिंगशी के दरवाजे पर जाकर कहता है, लंजा मैं तुम्हारे सॉन्ग को सुनकर आया हूँ, क्या तुम मुझे बुला रहे थे? वांग जी दरवाजे के अंदर से ही कहता है वेइंग। वांग जी अंदर से ही जिंगशी के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया था। वेइंग उसे कहता है, स्वीटहार्ट तुम दरवाजे तक क्यों आ गए? तुम बाहर नहीं आ सकते अर्गगा, क्या तुम भूल गए? वांग जी अंदर से एक बहुत गहरी सांस लेता है। वेइंग हंसते हुए कहता है, मैं यहाँ तुम्हें कंपनी देने के लिए आया हूँ लंजा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं यहीं दरवाजे पर बैठकर अपना काम कर लूँ तो? वांग जी कहता है, वेइंग तुम्हें ठंड लग जाएगी अगर तुम दरवाजे पर बाहर ही बैठे रहोगे तो। वेइंग कहता है, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं है लंजा, मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा, मुझे या तो बाहर रहना होगा या फिर मुझे जाना होगा। वांग जी कहता है, प्लीज़ यहीं रहो वेइंग। वेइंग कहता है, अगर मैं थोड़ी आवाज़ करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, क्योंकि तुम चिन म्यूज़िक प्ले कर रहे हो, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर दूंगा ना लंजा? वांग जी कहता है, नहीं। तभी वेइंग देखता है कि विंडो के खुले हुए एक छोटे से हिस्से से वांग जी अपना हाथ बाहर कर रहा था और उस हाथ में एक ब्लैंकेट था। वेइंग वो देख कर कहता है, स्वीट हार्ट इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं ऐसे ही ठीक था। वेइंग वांग जी के हाथों से इन ब्लैंकेट को लेकर खुद को कवर करके वहीं बैठ जाता है और वांग जी अपना चिन म्यूज़िक फिर से प्ले करने लगता है। कुछ टाइम बाद वेइंग उससे पूछता है, अर्गगा क्या ये ब्लैंकेट तुम्हारे बेड वाला है?
वांग जी पूछता है, क्या तुम चाहते हो कि ये वही ब्लैंकेट हो? विंग हंसते हुए कहता है, लंजा तुम सच में बहुत शेमलेस हो। ये सब कुछ बहुत हार्ड है लंजा, तुम्हारे अंकल सच में बहुत क्रूल हैं। उन्हें पता है हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, फिर भी ये पार्शियल सेक्लूजन रखा उन्होंने। वो एक ट्रू ईविल है। जैसे ही मुझे लोटस कोव से कोई भी खबर मिलती है ना, सबसे पहले मैं तुम्हें आकर बताऊंगा लंजा, आई प्रोमिस। वांग जी उससे सिर्फ कहता है। अब वही कहता है, लंजा क्या मैं अपना कुछ काम यहाँ बैठकर कर लूँ? उसके बाद वो अपने तालिस्मान बनाने में लग जाता है जिसके लिए उससे हुएसांग ने कहा था। सबसे पहले वो अपना बनाया हुआ तालिस्मान वांग जी को ही चेक कराता है, जिसके जरिए वो बाहर से ही अंदर चिंगशी में रखे टेबल के सामानों को हिला सकता था। वांग जी उससे कहता है, वुइंग तुमने ये कैसे किया? वुइंग कहता है, क्या ये तालिस्मान वर्क किया लंजा? हुएसांग तो बहुत खुश हो जाएगा। वांग जी पूछता है, हुएसांग? तो वुइंग कहता है, हाँ इस तालिस्मान को बनाने के लिए उसने ही मुझे कमीशन दिया था। अब वुइंग वांग जी से एक तालिस्मान पर कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है और वांग जी एक बनी ड्रॉ कर उस तालिस्मान को बाहर भेजता है। वही घसते हुए कहता है, लंजा तुमने इस पर बनी क्यों ड्रॉ किया? तुम्हें बनीज अच्छे लगते हैं क्या? वांग जी साइलेंट रह जाता है तो वही घसते हुए कहता है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ रैबिट्स लेकर आऊँ जिनके साथ तुम कडल कर सको। वांग जी उससे कहता है, लेकिन पेट्स यहाँ अलाउड नहीं है। वही कहता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब तुम्हें तो रैबिट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो एक तालिस्मान पर वांग जी की तस्वीर ड्रॉ करता है जिसमें वो उसके बालों में एक फ्लावर्स लगा देता है। वो वांग जी को भेजता है। वांग जी उस तस्वीर को देखकर मुस्कुराने लगता है। वो यही कहता है, लंजा तुम्हें ये अच्छी लगी ना? वांग जी फिर से सिर्फ कह देता है। वो यही घसते हुए कहता है, मुझे तो ये पार्शियल सेक्लूजन वाली बात अब बहुत अच्छी लग रही है। अब डिनर का समय हो चुका था। डाइनिंग हॉल में जिंगशा और वुइंग पास पास सीट पर बैठे हुए थे। वांग जी की सीट को खाली देखकर वुइंग को उसकी बहुत याद आ रही थी। डिनर कर लेने के बाद वो सब लोग उठकर जाने लगते हैं, तभी चिरैन कहता है, इससे पहले कि तुम सब अपने अपने रूम में जाओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। कल लैंस एक्ट को एक इम्पॉर्टेंट विजिट के लिए जाना होगा, इसलिए कल के लिए गेस्ट डिसिपल लेक्चर्स कैंसिल किए जाते हैं। सारे गेस्ट डिसिपल्स खुश हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वुइंग को समझ आ जाता है कि कल के लेक्चर्स किस लिए कैंसिल किए गए होंगे और वो तुरंत चिरैन के पास आ जाता है। सारे स्टूडेंट्स चले जाते हैं और वुइंग चिरैन से कहता है, अंकल क्या हम जांग सेक्ट से ऑलरेडी बात कर चुके हैं? चिरैन कहता है, हाँ हमने जांग सेक्ट को इनविटेशन भेजा था, उनका खत हमें मिल चुका है, वो गुसू की तरफ आ रहे हैं। वुइंग का दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगता है और वो चिरैन से कहता है, मैंने लंजा को प्रॉमिस किया था कि मैं सबसे पहले उसे बताऊंगा, क्या मैं उसे बताने के लिए जा सकता हूँ? चिरैन कहता है, तुम उसकी परवाह मत करो वेभूषण, वांग जी को भी इस बारे में बता दिया जाएगा, उसकी पनिशमेंट वैसे भी खत्म होने वाली है। वुइंग कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, तो फिर मैं अभी जाकर जंगशा को बता कर आता हूँ। वुइंग ने जंगशा को सारी बातें बता तो दी थी पर वो काफी स्ट्रेंज मूड में था, जैसे कि वो वुइंग से कुछ बात ही ना करना चाहता हो। वुइंग जैसे ही उन दोनों के बीच के साइलेंस को ब्रेक करने ही वाला था और उससे कुछ कहने ही वाला था, तभी वो कुछ लोगों की आवाजें सुनता है जो उनकी तरफ चले आ रहे थे। वो जांग फेंगम्यान, मैडम यू और यान ली थे। उन सब के साथ शिचैन और वांग जी भी थे। वुइंग वांग जी को फाइनली पनिशमेंट से फ्री होता हुआ देखकर बहुत खुश होता है। उन सब लोगों को अब रिसीविंग हॉल ले जाया जाता है। वुइंग यानली की तरफ वेव करता है और मुस्कुराता है। रिसीविंग हॉल में जाकर सब लोग बैठ जाते हैं। मैडम यू जंगछा और यानली को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और वांग जी वुइंग को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। सब लोग नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। चिरैन जंग फेंगम्यान से उसकी जर्नी के बारे में पूछता है। इसी तरह उन लोगों में बातें होती हैं। कुछ टाइम बाद चिरैन कहता है, इससे पहले कि मैं आप लोगों से मैरिज प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल बातें करूं, क्यों ना आप लोग अपने अपने रूम में जाकर आराम कर लें, क्योंकि युनमक से यहाँ तक की जर्नी काफी टायरिंग रही होगी। जंग फेंगम्यान मुस्कुराते हुए कहता है, जैसा आप ठीक समझें। चिरैन कहता है, शिचैन आप लोगों को आपके रूम दिखा देगा। अंदर रूम्स में जाने के बाद वुइंग सबसे पहले अपनी शिजिए यानी यानली से मिलता है। यानली उससे कहती है, आशियन क्या लैंस एक्ट ने जो भी हमें खत में लिखकर भेजा वो बात सच है? वुइंग कहता है, क्या था खत में? यानली कहती है, खत में था कि लैंस एक्ट तुम्हारे और लांग वांग जी के बीच में एक मैरिज प्रपोजल रखना चाहते हैं। वुइंग कहता है, हाँ शिजिए, लैंस एक्ट ने जो भी खत में लिखा है वो बिल्कुल सच है। यानली कहती है, आशियन पर आचिंग ने तो कहा था कि तुम्हारे और लांगवांग जी के बीच में बिल्कुल नहीं बनती, फिर अचानक ये सब कैसे? वुइंग अचानक ब्लश करने लगता है और यानली से कहता है, शिजिए पहले ये सब था पर अब मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। यानली हंसते हुए कहती है, तो हमारे शेषयन को प्यार हो गया है, तुमने अपना दिल किसी को दे दिया है।
वो ये और भी ज्यादा शाय फील करने लगता है और यानी से कहता है, शिजे प्लीज इस तरह मत कहिए। तभी जेंगशा वहां आता है और उससे कहता है, अब तुम्हें एम्बेरसिंग फील हो रहा है, उस टाइम के बारे में नहीं बताना चाहोगे जब तुम रूम में बिल्कुल ऐसे आया करते थे जैसे किसी जंगली जानवर ने तुम्हें मोलेस्ट किया हो। विंग इस बात पर गुस्सा होते हुए कहता है, जेंगशा इस तरीके की बातें मत करो शिजे के सामने। जेंगशा कहता है, क्यों ना करूं, शिजे को भी तो पता होना चाहिए ना कि वो लांगवांगजी कैसा है। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा तुम्हें उस बर्फ के टुकड़े में क्या इंटरेस्ट आ गया। विंग कहता है, लंचा के बारे में इस तरह बात मत करो, तुम इतने रूड क्यों हो जेंगशा। तभी यानली कहती है, बॉयज प्लीज आपस में लड़ाई करना बंद करो, मैं यहाँ तुम दोनों से बात करने के लिए आई हूँ। वो अब विंग से कहती है, आशियन तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कब पता चला, तुम उसे कब से पसंद करने लगे। विंग कहता है, शायद मैं उसे बहुत पहले से ही पसंद करता था, बस मुझे रियलाइज नहीं हुआ था। यानली कहती है, तो क्या वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। विंग कहता है, हाँ शिजे वो तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, आप एक बार उससे बात करेंगी तो आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं होगी। विंग ये सब कह ही रहा था तभी उनकी डायरेक्शन में वाइट कपड़ों में पहना हुआ एक इंसान चला आ रहा था। विंग तुरंत कहता है, लंजा तुम आ गए। विंग तुरंत भागते हुए जाता है और उसे गले से लगा लेता है। वांगजी भी उसे टाइटली हग करता है। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हें अपनी शिजे से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वांगजी यानली को देख कर कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी जंग, विंग आपके बारे में बहुत बातें करता है। विंग हंसते हुए कहता है, मेरी शिजे है ही एकदम बेस्ट। यानली कहती है, आशियन बस भी करो। वांगजी कहता है, विंग आपके बनाए हुए फूड की बहुत तारीफ करता है, आई होप आप मुझे फ्यूचर में सिखा सकेंगी जिससे मैं भी विंग के लिए बना सकूं। यानली एकदम सरप्राइज हो जाती है और हंसने लगती है। विंग वांगजी से कहता है, लंजा तुम कुकिंग भी कर सकते हो, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यही खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।